हेलो फ्रेंड्स, हाई मेक क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सदावा समझला का आज जवाब है। देखते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? जो एंजिल जलप्रपात है हमारा किस नदी पर? कोरोनी नदी पर है। और जो हमारा एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जो कहाँ है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? हवाई द्वीप कहाँ? ये अमेरिका में पड़ता है। इसका पुराना नाम क्या था? सैंडविच द्वीप था। और इसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा। प्रशांत महासागर का चौराहा। बाय चांस आपको ये क्वेश्चन में आ जाता है कि हवाई द्वीप किसके अंडर में है या कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ अमेरिका में है, क्योंकि जब भी कोरिया उत्तर कोरिया धमकी देता था, वहां का किम जोंग उन धमकी देता था, तो सीधे क्या बात करता है कि हम सीधा पहला हमला कहाँ करेंगे? हवाई द्वीप पर करेंगे। अमेरिका को जब भी धमकी दिए तो हवाई द्वीप की बात की है, तो सीधे आपको याद रहेगा कहाँ पड़ता है वो? अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181 आपकी है। और जो भूमध्य रेखा में होती है, जो आपकी भूमध्य रेखा पे होती है 0 डिग्री पर होती है, वो आपकी एक प्लस हो जाती है। 90 आपकी ऊपर होती है, 90 आपकी क्या होती है? नीचे होती है। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कौन सी अक्षांश होती है, कौन सी देशांतर होती है, क्योंकि आपकी जो देशांतर रेखाएं होती है वो कितनी होती है? 360। उसमें प्लस एक कर सकते हो, 360 प्लस एक 61 हो जाएंगे। जो आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं वो आपकी इधर वाली रेखाएं होती है, इस तरीके की जो होती है वो आपकी देशांतर रेखाएं होती है। और जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है, भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं, वो आपकी कौन सी कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। सपोज देन, जैसे आपने कोई फल ले लिया, सपोज खरबूजा ले लिया, उसके आप ज्यादा टुकड़े किस तरीके से कर सकते हो? चौक लगा सकते हो, अब सीधे सीधे चौक ज्यादा लगा सकते हो। तो ज्यादा लगाने का मतलब कितना है आपका? 360 का है। और जो कम वाला है वो आपका कितना है? ये वाला 180, जिसमें 0 डिग्री एड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 181। ये 0 इसके साथ में आप ये भी देख लें, जो मकर रेखा होती है वो कितने पर होती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी पे होती है। और जब ऊपर जो भारत के 8 राज्यों से ऊपर जाती है, 23.5 डिग्री वो आपकी कौन सी हो जाती है? कर्क रेखा जो होती है उत्तरी। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी पे है आपकी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी पे कौन सी? आपके मकर रेखा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थल अटाकामा। अटाकामा कहाँ पड़ता है? जो चिली है, अटाकामा चिली। कहीं कहीं भी क्या होता है कि गर्म भी चिली दे दिया गया है, लेकिन हम गर्म की बात करते हैं तो मोस्टली क्या होता है? सहारा हमारा ज्यादा सही होता है। और शुष्क की बात की जाती है तो हमारा कौन सा हो जाता है? वो अटाकामा हो जाता है। अटाकामा का पता है चिली में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का किस राजा ने स्वागत किया था? तो राजा जमोरियन ने, जब 1498 में पहली बार वास्को डी गामा जब आया था भारत में, तो कालीकट में आया था। कौन से तट पे? कालीकट पे, 1498 में। तो पहली बार उसका स्वागत किसने किया था? राजा जमोरिया ने किया था। और फिर दूसरी बार वो आया था 1502 में, जस्ट 4 साल के बाद में रिटर्न किया था। और जो ऐसे से काली मिर्च है, कद्दू है, एक ऐसी चीज है मोटे या मसालों की कहे, वो सब इन्हीं की देन थी। काली ही आए थे, उन्होंने ही इनका प्रारंभ शुरू किया था। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था मूल शंकर, ही नाम था मूला शंकर या मूल शंकर था। और इनके दो तीन इन्होंने दिए हैं वेदों की ओर लौटो स्लोगन दिया, या वाक्यांश कहा है, वेदों की ओर लौटो। फेमस है, कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है।
या कहीं पे कहा है कि वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है, मतलब वेदों से रिलेटेड जो भी बात हुई है वो आपकी किसने की है, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्हें एक आंदोलन भी चलाया था, आपका कौन सा था, शुद्धि आंदोलन था, जिसमें क्या था कि जो कन्वर्ट हो गए थे किसी अदर धर्म में वो वापस हिंदू बनने के लिए उन्होंने क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। इनकी एक फेमस बुक है सत्याग प्रकाश, हिंदी की बुक है सत्याग प्रकाश, तो आपको याद रखना है सत्याग प्रकाश किसकी है, दयानंद सरस्वती जी की, और वेदों की ओर लौटो या कहें वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है वो किसकी है, ये बात कही है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कही है। नेक्स्ट है हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट का मतलब होता है साधु, साधु शिमला का साधु कौन था, एओ ह्यूम, वही एओ ह्यूम जिन्होंने 1885 में किसकी कांग्रेस की स्थापना की थी, या कह सकते हो कांग्रेस के संस्थापक थे, एओ ह्यूम बेसिक रूप से आयरलैंड के रहने वाले थे, इनकी इच्छा थी कि भारत में क्या हो, स्वशासन स्थापित हो जाए, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इनका ये मतलब नहीं था कि भारत का अपना संविधान लागू हो जाए, इनका सिर्फ एक बेस था, इन्होंने सोचा था कि भारत में क्या हो पूरा कंट्रोल किसके पास में है, ब्रिटेन के पास में, लेकिन इन्हें न्याय मिले, ये भी एक ऑफिसर ही रहे थे, और उसके बाद जब रिटायर हुए थे तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, इन्हें क्या कहा जाता था, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहां भेजे जाते हैं, वो आपके सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो करवाता कौन है, वो केंद्र का चुनाव आयोग करवाता है, लेकिन इसमें कोई चुनाव में कोई डिफेक्टिव होता है या कोई इसके मामले ऐसे हो जाते हैं कोई मामले, वो आपका सुप्रीम कोर्ट भी उसका निपटारा करता है, और फिर पिछले में आपको हम बता भी चुके हैं राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष कह सकते हो या एकल संक्रमणीय पद्धति से होते हैं। नेक्स्ट है और राष्ट्रपति की जो शपथ होती है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। अगला है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसका है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया चिड़िया के समान है, ये सरोजिनी नायडू जी ने कहा था जो यूपी की प्रथम राज्यपाल भी थी, जब ये राज्यपाल बनी महसूस किया होगा कि क्या है कि संपूर्ण जो भी शक्तियां होती राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, जिससे राष्ट्रपति में क्या होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, प्रतिनिधि कर सकते हो, प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, लेकिन वास्तविक जो भी शक्तियां होती हैं वो किसके पास में होती हैं, राज्य में मुख्यमंत्री के पास में, और राज्यपाल होता है नाम मात्र के लिए ही सत्ताधारी होता है, जैसे केंद्र में क्या होता है सब कुछ प्रधानमंत्री ही होता है और राष्ट्रपति उसका हेड होता है। नेक्स्ट है रिवर्स दर किसे कहते हैं, रिवर्स दर होती है कि जो आरबीआई के पास में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है उससे ऐसा लगता है कि हमारे पास में बैलेंस कम है तो वो बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा ले लेती है, और जिस दर से वो पैसा लेती है बैंकों से उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स दर कहते हैं। ध्यान रखना इसके साथ में रेपो दर भी होती है, रेपो दर क्या होती है, जब कोई साधारण बैंक आरबीआई से कर्ज लेती है जिस दर पे उसे क्या कहेंगे, रेपो दर, और जब आरबीआई बैंक से, ऐसे आप याद रखोगे आरबीआई और जब इससे पैसा लेगी किससे, बैंक से, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये बैंक पैसा ले रहा है तो ये आप ले लोगे रेपो, और जब आरबीआई लेगी तो आपका हो जाएगा रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या है आपका वापस, तो ये हो जाएगा रिवर्स, और हमेशा रिवर्स दर कम होती है रेपो दर ज्यादा होती है, मतलब आरबीआई जब भी किसी बैंक को पैसा देती है वो ज्यादा उसका ब्याज लेगी, और जब वो बैंक से पैसा लेगी तो जितने में उसने दिया होगा उससे कम पर पैसा लेती है, आपको मोटा मोटी याद रखना है कि रिवर्स दर क्या है, जब आरबीआई किसी बैंक से जिस दर से ब्याज पे पैसा लेती है उस दर को क्या कहते हैं, हमारा रिवर्स दर।
ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।